हेलो फ्रेंड्स, अमित कुमार डायरीज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा मैं हूँ कर्नाटका में और इस समय हूँ हम्पी में। और हम्पी में मेरा ये दूसरा दिन है। कल मैंने हम्पी का ये पार्ट कवर किया था, अब आज मैं जा रहा हूँ अदर पार्ट ऑफ हम्पी। और उसके लिए हम तुंगभद्रा रिवर क्रॉस करके जाएंगे और वहाँ तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो आप बाई रोड जा सकते हैं और एक है कि हम बोट के द्वारा भी जा सकते हैं रिवर क्रॉस करके। तो हम सेकंड ऑप्शन चुनेंगे और बोटिंग करते हुए जाएंगे हिप्पी आइलैंड। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं हिप्पी आइलैंड। मैंने उपमा ऑर्डर किया है ब्रेकफास्ट में अभी, और मैंने कल आपको इस होटल के बारे में तो बताया ही था। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो भी आपको इस होटल में रुकना चाहिए, क्योंकि ये लोकेशन वाइज तो बेस्ट है ही पूरे हम्पी में, खाने में भी इसका कोई जवाब नहीं है। विदाउट शुगर बोलना भूल गया था, तो ऑब्वियस सी बात है शुगर वाली चाय आ गई है, चलेगा। चलते हैं बोटिंग के लिए। चलो मनोज भाई, थैंक यू, वेलकम। ओके भाई, जाते हैं सर। कभी भी हम्पी आइए, मनोज भाई का नंबर मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, अच्छे आदमी हैं। कल उन्होंने जो दो दिन में लोग घुमाते हैं उन्होंने एक दिन में घुमा दिया। थैंक यू, वेलकम। अच्छे लड़के हैं, छोटा सा है। कितनी एज है आपकी? 20। हाँ। ये है हिप्पी आइलैंड, आप देख सकते हैं। ये रिवर है तुंगभद्रा रिवर, और इसके पीछे अभी हम रहने वाले हैं दो दिन, तो घूमेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ही बोट है, वो जो बोट वहाँ पर खड़ी है, और वहाँ से जब उनको कुछ पैसेंजर मिलेंगे तब वो यहाँ पर आएंगे, फिर हमको ले जाएंगे। और हम यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं। ये है मिस्टर यूथो, जापान से आए हैं, और मैं हूँ आपका अपना अमित, जो बॉम्बे से आया हूँ। और इनके पास भी सेम कैमरा है, गोप्रो 7। मेरा भी 7 है, इनका भी 07 ही है। और अब हमें मिल गई हैं मैडम रूथ, और ये US से हैं, कैलिफोर्निया से हैं, और ये आकर के मेरे से बात करने लगी। फिर वो बोली, अच्छा आप स्पेन से हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तो ब्लैक आदमी हूँ, ब्लैक हूँ मैं। बोले नहीं, आपका जो हैट है वो हैट ऐसा लग रहा है कि आप स्पेन से हैं। Because of this hat you... Well, your profile, you have a very elegant nose, so I thought maybe... वो बोल रही हैं कि nose और hat की वजह से इन्होंने मेरे को स्पेन का समझा। And I'm 77. Oh, belated happy birthday. देखिए 77 year old हैं, और अभी दो दिन पहले इनका बर्थडे था। और are you solo traveler or yeah alone traveling yeah along travel कर रही हैं, और US से यहां आई हैं। 2 years now I've been traveling 2 years. 2 years, yes. Continue 2 years from Philippines up to Mongolia, down to Australia, all to Southeast Asia, and now I'm in India. Continue. Yes, I'm going to keep going. Yeah. I have a pension. I don't have to go home, earn money. Okay. No, I don't have any obligations. You're waiting for the boat? Mm-hmm. Is the boat? I know nothing. Yes, we are waiting for boat. Ah, okay, nice. Is the boat still here? Boat. Go across the airport. Oh, across. Oh, so there's people live over there too. Yeah. That's what they mean by crossing the river. I have done no research, so I don't know. Okay. Where are you from, madam? Korea. Korea. Germany. Oh, you're traveling along? We met just here. So yeah. Okay. We met on the search for the boat. Yeah. Solo traveler? Huh, yeah. You are also solo traveler? Mm-hmm. Yeah, one solo traveler, two solo traveler, three solo traveler, four solo traveler. और हम तो हैं ही सोलो ट्रैवलर, और हम सब जा रहे हैं हिप्पी आइलैंड।
अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल लेकर के भी इसमें आ सकते हैं। साइकिल का अलग से चार्ज देना पड़ता है। सिर्फ मेरे को सीट नहीं मिली है तो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। ये विरूपाक्ष टेम्पल है। देखा आपने, डस्टबिन में नहीं डाला ना। जहाँ कढ़ाई होती है वहीं पालन करते हैं। यहाँ ऑलरेडी इतनी गंदगी है तो इनके भी इमेज मन में वैसे ही बन जाती है। और बोटिंग की ऐसी रही कि 20 रुपए लिए उन्होंने क्रॉस कराने के। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि इंडियन से भी 20 रुपए और फॉरेनर से भी 20 रुपए, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा ही हर जगह होना चाहिए। पता नहीं सरकार ऐसा क्यों करती है कि एंट्री फीस में इंडियन से 20 रुपए और फॉरेनर से 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 300 रुपीज़, और यहाँ तो 600 रुपीज़ था एमपी में। पता नहीं गवर्नमेंट को ऐसे चिन्नी चोरी नहीं करनी चाहिए। और खुद ऐड करती है इंडियन गवर्नमेंट कि भेदभाव मत करिए, परेशान मत करिए फॉरेनर को, और खुद ऐसा करते हैं। मैं देख रहा था कि जब लोग 600 रुपीज़ दे रहे थे कल फॉरेनर, तो उनके चेहरे पर अच्छा एक्सप्रेशन नहीं थे। बड़े लोग बड़ी बातें। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने ये धन्नो ले ली है रेंट पर, 250 में मिल गई है। और धन्नो इसलिए भी ले ली पहले क्योंकि बैग था अपने साथ में, तो होटल अभी सर्च नहीं किया है, होटल अभी बुक नहीं है और ऑनलाइन बहुत महंगे दिख रहे थे, इसलिए इसमें धन्नो में बैग रख लिया है। और अब होटल सर्च कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। रिसॉर्ट मिल गया है रुकने के लिए। ये तुंगभद्रा रिवर, चिल आउट एरिया। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, आप ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी सर्विस हो सकती है। तो आप जब भी तुंगभद्रा रिवर करके हिप्पी के इस पार्ट में आना चाहते हैं, जैसे हिप्पी आइलैंड कहते हैं, तो आप ये शांति गेस्ट हाउस जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ वहाँ एक बार आकर के विजिट कर सकते हैं। शायद ये जगह आपको पसंद आए क्योंकि जैसा मैंने यहाँ पर दिखाया, चारों तरफ यहाँ ग्रीनरी है और रिवर व्यू भी है, यहाँ से रिवर भी दिखती है और बहुत ही शांत है। और अब 11 बज रहे हैं तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 15 मिनट का, और इसके बाद में तुरंत निकलते हैं। फ्रेंड्स चलते हैं और उन तमाम जगहों पर चलेंगे जिनके नाम हम रामायण में सुनते आए हैं, किष्किंधा पर्वत चल रहे हैं। और सबसे पहले चलते हैं पंपा सरोवर, पंपा सरोवर के बारे में बात करेंगे वहाँ पहुँच करके। तो स्टार्ट करते हैं। जब राम जी माँ सीता को ढूंढते हुए यहाँ आ रहे थे तो ऋषिमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, तो यहाँ पर मिले थे हनुमान जी, सुग्रीव ने भेजा था। यहाँ से हनुमान जी राम लक्ष्मण को कहते हैं अपने कंधे पर बैठा करके ऊपर ऋषिमुख पर्वत ले गए। अगर पॉसिबल होगा तो हम भी ऋषिमुख पर्वत जाएंगे। हर चीज़ को संकेत है। अच्छा, तो संकेत से सब चल रहा है। ऋषिमुख पर्वत जब पास में आए तो हनुमान मिले ना। ऋषिमुख पर्वत पास में है, ये बाली किला है, बाली का डर से सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे। फिर वहाँ कहा ऐसा क्षेत्र है, ऐसा स्थान आता है। अभी तो सब जगह 40 जगह आंजनेय माता रही, 40 जगह तो सभी जगह बोलते हैं हनुमान का जन्मस्थल है। पर हनुमान का जन्मस्थल कहाँ हुआ? पंपा सरोवर के समीप तुंगभद्रा नदी किनारे। तो जहाँ तुंगभद्रा नदी होगी, जहाँ पंपा सरोवर होगा, वही स्थान माना जाएगा। भगत है, अपनी आस्था का विषय, सब श्रद्धा का विषय, सब अपना अपना। सही बात है स्वामी। बनाते हैं, बताते हैं। कोई केरल में बताता है शबरी से राम मिले, कोई बताता है चित्रकूट में मिले। सही बात है। यहाँ गए थे ऊपर दुर्गा मंदिर। हाँ, अभी जाना है, इसके बाद जाएंगे। यहाँ क्या ही है। हाँ,
और मंदिर का दर्शन करना, फिर देना जाना, वो बोर्ड दिखता है ना, वहाँ तक आएंगे आप। अच्छा, नीचे में सर्प का घर है। अच्छा, देखने लायक है। लंच प्रसादम। और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, पूरा जहाँ देखो वहाँ तक पैडी फील्ड है। और यहाँ मैंने देखा जितना भी यहाँ राइस की ही खेती होती है, और अब यहाँ तक स्कूटी आती है और यहाँ से जा सकते हैं हम। सीढ़ियों से जाना है तो चलते हैं। यहाँ पर भी प्रसादम है, और तीन बार प्रसादम है यहाँ पर, सुबह, दोपहर और रात। जो बड़े मंदिर हैं और वहाँ पर प्रसादम सबके लिए रहता है। और केरला गए थे हम, वहाँ अभी 2 हफ्ते पहले केरला गए थे, वहाँ पर भी ये देखा। और प्रसादम फॉर ऑल ये एक अच्छी चीज़ है जो इंडिया में हर जगह देखने को नहीं मिलती है, बट साउथ इंडिया में देखने को मिलती है। सुरमर्दी ने उतारा है, इधर वाली तपस करता था पहले। अच्छा, उनको वरा देने आया, आको इधर इस कुड़ा गए। बाली ने बोला कि मैं जिससे भी युद्ध करूं उसकी सारी शक्ति मेरे पास आ जाए, जिससे कि मैं उसको जीत लूं। और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और यहीं अंतर्ध्यान हो गई, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। और ये माँ दुर्गा की शक्ति ही थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम को भी छिपकर बाण मारना पड़ा बाली का वध करने के लिए। और वो बाली गुफा जहाँ बाली रहता था वो आगे है, तो चलते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इस व्लॉग को यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे बाली की गुफा, साथ ही डरते डरते नाग देवता की सकरी सी गुफा के भी अंदर चलेंगे। पहाड़ी के ऊपर से पंपा सरोवर के सुंदर दर्शन होते हैं। उस पौराणिक गुफा के दर्शनों के लिए भी चलेंगे जहां माता की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ने 4 महीने रुककर बारिश बीतने का इंतजार किया था। तो अभी के लिए अमित कुमार डायरीज में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं कि इस चैनल पर सिर्फ घुमक्कड़ी के इंफोटेनमेंट व्लॉग ही अपलोड करता हूं। तो अगर आप या आपके कोई जानने वाले घुमक्कड़ी के शौकीन हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।